गुड इवनिंग इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं बलदीप सिंह। आज की मुलाकातों की लड़ी को जारी रखते हुए अब समय है तीसरी मुलाकात का, सूफी कथक की नृत्यांगना मंजरी चतुर्वेदी से। मंजरी जी, गुड इवनिंग इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू। आप लखनऊ घराने से, आपका संबंध है कथक के, पोस्ट ग्रेजुएट भी एनवायरमेंटल साइंसेस में। अवधि इथोस कहते हैं कि आप अपने डांस में उसको परोई हुई हैं। ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का जो, इसको कैसे आप इकट्ठा लिए चलती हैं? आज के दौर में ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को लेकर चलना is something which is of prime importance. Otherwise, what is happening is कि एक तरफ हम ये सोच कर चलते हैं कि जो कुछ भी traditional है वो खराब है और जो कुछ भी modern है that is something that we should look forward to. And that is why ये एक trend आ रहा है जहाँ पर आकर हमें वापस Madonna आकर yoga सिखा कर जाती हैं. So it's very important that we as the youth decide that okay, we have the technology with us, we have the intelligence, we have the culture. Now we need to bring all these three together and form a aspect. Mera jo work hai pichle 14 saal ka jo karya hai, ye karya sirf ek tarah se dekha jaye to inhi cheezon ko saath lekar chalta hai ki aaj agar main shikshit hoon to us shiksha ka main kis tarah se अपने कल्चर को आगे ले जाने में, अपने ट्रेडिशंस को आगे ले जाने में उसको कैसे यूज कर सकती हूँ। मैं इसको बहुत अहमियत देती हूँ, जरूरी मानती हूँ। आपकी जो शिक्षा कथक में ट्रेनिंग पंडित अर्जुन मिश्रा जी के जी निगरानी में हुई जी, कैसे थे दिन सीखने वाले बचपन में? कब कैसे शुरू हुई कहानी कथक की? देखिए, कथक तो मैं कहना चाहूँगे कि मेरी मदर ने, मेरी वालिदा ने हमें सिखाया ये सोचकर कि बच्चों को थोड़ा कुछ डांस आना चाहिए। उनके जहन में उस वक्त ये कभी नहीं रहा होगा कि उनकी बेटी जो है वो आगे चल के सिर्फ नृत्य ही करेगी और कुछ नहीं करेगी। तो उस वक्त लखनऊ में पले बढ़े तो वहाँ पर कथक एक बहुत ही खास अहमियत रखता है और जैसा कि सब बच्चे करते हैं उसी तरह मुझे भी कथक की शिक्षा दी गई और मैंने सीखा। पर कहीं जाकर जब मैंने 12वीं पास करी उसके बाद नृत्य जुनून सा हो गया था कि मैं सुबह 8 बजे नृत्य की प्रैक्टिस के लिए जाती थी, कथक केंद्र हमारा हुआ करता था, और सिर्फ बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक करके वापस वहाँ पहुँच जाती थी और शाम को 8-8:30 बजे लौटती थी। तो घर में सब ये समझने लगे थे कि क्या इसको जुनून हो गया है, दिमाग खराब हो गया है, क्या ऐसी इसकी ये कहना चाहिए कैसी कैफियत में अपना नृत्य सुबह से शाम तक। एक फिजिकल लिमिट होती है क्या करने की, वो फिजिकल लिमिट भी पता नहीं चलती थी। रात में पैरों को जो है गर्म पानी में सोख करके और सुबह फिर तैयार हो जाते थे। तो वो एक कहना चाहिए एक दौर था जब वो नृत्य एक जुनून की तरह सवार था और मैं मानती हूँ कि वो जो एक दौर था वो एक आर्टिस्ट की जिंदगी में अब जब मैं लुक बैक करती हूँ तो बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो आपके थॉट्स को, आपके आगे चलने की आपकी सोच को एक तरह से वो शेप अप करता है। मेरे शायद हो सकता है लाइफ में ये बहुत जल्दी आया, मैं उस वक्त कितना 16-17 साल की थी, तो उस तरह का एक जुनून सवार होना 15-16 साल पर और सूफीज्म के बारे में खोज करना उस समय समझ में नहीं आया। You were already drawn towards Sufi. I was already drawn towards it, and I was 17. Yeah, 17. At the age of 20-21, I traveled Central Asia to find out Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, to find out and study the Sufi traditions, कि क्या चीजें थी, क्योंकि मुझे एक कहना चाहिए कि
सूफी संतों की जो सोच थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, सो आई यूज्ड टू रीड अ लॉट, एंड वो मुझे इतना अपनी तरफ खींचती थी। और एक जो उसी समय, क्योंकि नृत्य भी सीख रहे थे और कथक एक तरह का ऐसा नृत्य था जिसके दो बड़े भिन्न रूप थे, एक था जो मंदिरों का नृत्य था, एक जो था दरबारी नृत्य था। लखनऊ में थी तो दरबारी नृत्य ज़्यादा प्रभावित था, हम लोग को वही सिखाया ज़्यादा जाता था। सो कहीं पर एक मेरे जहन में बहुत सवाल उठता था और मैं आज मानती हूँ कि वही सवाल ने मुझे शायद सूफी कथक की तरफ खींचा, कि जब मैं नृत्य करती थी तो मुझे एक अजीब सी कैफियत महसूस होती थी, और जब मुझे वही चीज़ स्टेज पर करने को कही जाती थी तो उसको एंटरटेनमेंट के परिप्रेक्ष्य में आती थी वो, तो मुझे कहीं ये एहसास होता था कि मैं नृत्य एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रही हूँ। तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत खूबसूरत लगकर स्टेज पर जाऊँ और तभी नृत्य करूँ, तभी उस नृत्य का एहसास लोगों को होगा। ये कहीं ना कहीं एक सवाल बहुत पुरेता रहता था। मंजुरी जी, आपकी एक रिकॉर्डिंग हम अपने दर्शकों को अब दिखाना चाहेंगे। सर कर अख्तर उनकी आंखों को देख कर उनकी आंखों को देख कर अख्तर नशबे अख्तियार आ जाए, ऐसा बनना सवरना मुबारक तुम्हें, ऐसा बनना सवरना मुबारक तुम्हें, कम से कम इतना कहना Manjuriji, your performances preserve the doctrine of classical temple and Darbari forms. Tell us about this doctrine.
all classical Indian dances, we follow the Natya Shastra, which is one documentation for dance which is there. And in the same way, Sufi Kathak, which is my dance form, also follows the Natya Shastra. Now that said, you know, it gives details about the mudras to be used. It gives details about the way the dance is to be presented, the abhinay, the ras used. You know, it's a very elaborate doctrine. Now, the interesting part is that all Indian classical dance forms, whether it's Bharatanatyam, Odissi, Kathakali, Kathak, Sufi Kathak, they all follow the same doctrine, and yet, you know, they are different because of the presentation that comes in, the thought process behind it. So in keeping the whole doctrine of the classical form intact, which means that we follow the classical Indian dance format, but yet Sufi Kathak has slightly moved away from it, because unlike other Indian classical dance forms, which are which form the base for a god, a form which we call Sagun Bhakti. Mm-hmm. Sufi Kathak is the only dance form which talks about Nirgun Bhakti. In this, the dancer is not entitled to create a form. The dancer is not telling the story of a Krishna, of a Rama. That is a form. So now when the job of the dancer in Sufi Kathak is to create the formless Almighty. So though I'm saying it, but you know, trust me, it's difficult. Because the body is a form. Would it still be a katha as it is in Kathak? Kathak is a word which means that, you know, to tell a story. Mm. Now what do I do through my dance? I tell stories of Sufi saints and what messages they give. So my dance is very simple. It's Sufi Kathak because I tell stories of the Sufi saints and their philosophy and whatever they propagated as their message of love. So, you know, it relates to that. But yes, if you compare it to other dance forms, then yes, the concept of formless almighty, the Nirgun Bhakti, is so dominant in Sufi Kathak that it deviates away from the dance for the form. Abhinay bahut hi aham hai किसी भी नृत्य शैली में. आपने इसकी जो डिटेलिंग की है और डेवलप की है तीन बड़े दिग्गज नामों के की निगरानी में, करुणानिधि नारायण, प्रियदर्शनी गोविंद और गुरु प्रतिमा बेदी और गुरु कुमुदिनी लाखिया. अभिनय के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं. अभिनय देखिए, नृत्य एक लैंग्वेज है. अगर मैं उसको बहुत आसान शब्दों में कहूँ तो जैसे कि हम ए बी सी डी सीखते हैं, वैसे ही हम नृत्य एक भाषा है, एक लैंग्वेज है. तो ज़रूरी है कि हम उसकी ग्रामर सीखें. वो ए बी सी डी हमें सीखना ज़रूरी है. अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, वो डांसर की अपनी कैपेबिलिटी आती है कि वो ए बी सी डी तो सीख ली उसने, बहुत खूबसूरत सा ए भी बनाया, बी भी बनाया, पर क्या वो उनको जोड़कर शब्द बना सकते हैं, क्या वो उनको जोड़ के सेंटेंसेस बना सकती हैं? और फिर आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उसको सबको जोड़कर उस ग्रामर से ए बी सी डी कॉमा सेमी कॉलन हाइफन एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस स्टॉप वो सब लर्न करने के बाद आप स्टोरी क्या बताते हैं. तो ये सारी ग्रामर मैंने बहुत ही गुणी जने लोगों से सीखी जिन्होंने मुझे बहुत डिटेल में उनके बारे में बताया. अभिनय इज अगेन अ वेरी डिटेल्ड एस्पेक्ट बिकॉज वेन एवर यू आर ऑन स्टेज आप कोई ना कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं. तो उस कैरेक्टर को आपको उस समय यू हैव टू बी दैट कैरेक्टर. सो यू हैव टू लर्न द डिफरेंट लेयरिंग्स ऑफ बीइंग दैट कैरेक्टर. जो अभिनय सवाल का जो दूसरा हिस्सा मैं चाहूंगा आपसे जानना कि अभिनय एक तो कथक में मेन स्ट्रीम कथक में होता है, सूफी कथक में जब आपने उसको एप्रोप्रिएट किया या अडैप्ट किया उसमें क्या कुछ फर्क आया? जैसे आप सरगुण से निर्गुण, इट्स अ बिग शिफ्ट. अभिनय में क्या आपको करना पड़ा उसमें? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब हम निर्गुण भक्ति की बात करते हैं, निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, अब डांसर की कैपेबिलिटी ये आती है कि उसे आकार तो कुछ दिखाना नहीं है. आप कृष्ण की स्टोरी नहीं सुना रहे तो नहीं, आप बांसुरी दिखा दें, लोगों को समझ में आ जाता है कि तुझे कृष्ण की कहानी सुनाई जा रही है. सूफी कथक में जब हम कोई आकार कोई रूप नहीं दिखा रहे हैं तो हम उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम
शरीर जो कि एक फॉर्म है, हमारी लैंग्वेज वही है. सो एक कहना चाहिए, एक इट्स अ कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट दैट आई एम मेकिंग माई सेल्फ, बट उस शरीर को यूज करते हुए हम उसकी लैंग्वेज से निराकार ब्रह्म की बात करते हैं. तो इसमें बहुत से ऐसे मूवमेंट्स आए जो कहना चाहिए कि हमारे जो इंडियन क्लासिकल फॉर्मेट है उसके परे आए, क्योंकि मैंने वो किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में जो डांसेस होते हैं उनसे ग्रहण किए. कुछ अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे बाबा बुल्ले शाह नाचते थे, उनके रिकॉर्डेड है कि उन्होंने एक उस पर कहना चाहिए एक अपना कलाम भी लिखा, और कहानी भी सुनाई जाती है कि वो सीख कर नृत्य आए और उन्होंने अपने पीर के सामने नृत्य किया. पर जब मैं ये खोजने गई कि अगर बाबा बुल्ले शाह ने नृत्य किया तो कोई तो भंगिमा ली होगी, हाथ ऐसे उठाया होगा, ऐसे गिराया होगा, गर्दन ऐसे करी होगी, कोई तो बताए कि अगर बाबा नाचे थे, एक बार भी नाचे थे, तो किसी कोई भंगिमा तो बनी होगी. और ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, महज कितने 700-800 साल पुरानी. That's what I'm saying. So you know, it's not something that should be so unrecorded. पर जाहिर है कि ये जब पता करने गए तो कहीं ऐसी भंगिमाएं नहीं मिल रही थी. एक दरगाह पर, पानीपत पर, बू अली शाह कलंदर साहब की दरगाह पर मैं गई, खुद जा रही थी, सबसे पूछ रहे थे. एक मेरे पास जनाब आए, उन्होंने कहा कि बाबा बाबा तो ये लेते थे, अब आज मेरे सूफी कथक में ये एक भंगिमा जो है वो वहां से जुड़ी. कुछ लोग सवाल इस पर कर सकते हैं कि एक किसी मलंग ने आपको दरगाह पर बता दिया और आपने उसको, पर मेरा ये मानना बहुत है कि अगर मैं उसकी खोज कर रही हूँ तो मुझे किसी के जरिए तो वो बताएंगे ना. उन्होंने उसको जरिया बना के मुझे बताया. मैं 5 साल ढूंढती रही तो मुझे एक मूवमेंट मिला. अब ये मूवमेंट जो है ये हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है, पर ये सूफी कथा का एक काम. तो जाहिर इस तरह बहुत से ऐसे मूवमेंट्स हैं जो इसकी ग्रामर में इंक्लूड हुए टू टेल द स्टोरी अबाउट द फॉर्मलेस ऑलमाइटी. सो इट्स नॉट समथिंग जो कि एक दिन में हो गया या एक हफ्ते में हो गया या एक साल में हो गया. इट्स टेकन मी 14 इयर्स टू क्रिएट दिस आर्ट फॉर्म. इसका पहनावा अलग है बाकी फॉर्म से, इसका सोच जो इसका बिल्कुल थॉट है वो बाकी डांस फॉर्म से बिल्कुल अलग है. पहनावा अलग हो गया, पोएट्री अलग हो गई, म्यूजिक अलग हो गया. पहनावा जो आपने अलग जैसे कहा, वो कहां से कैसे डिराइव किया आपने पहनावा? देखिए, पहनावा जो कथक का एक प्रचलित पहनावा था वो एक कोट डांसर का था. तो वो डांसर का उस वक्त जो पहनावा था वो इसलिए था बिकॉज शी वॉज देयर टू एंटरटेन द दरबार. So it was a tight churidar, it was a tight body, it was a figure hugging costume which was needed for a dance like that. Now when I am dancing, I am not entertaining people. So for me that physical form is not important. I want to lead the audience beyond that physical form and understand what happens when, you know, your soul is dancing. So that costume is not apt for my dance. So hence came the colors of black and white. I invariably wear black or white. Now black is one color which is not worn in Indian classical dances because it's considered ashubh. Now here comes a dancer who dresses top to bottom black and performs and enjoys that performance in black. So you know, it is a thought process which has developed over years. Now that the style changed because I don't wear figure hugging costumes. It is not needed. My dance form is not depicting that. So came the layering, came the differentiation in the costume. एक clipping आपकी और दिखाएंगे अपने दर्शकों को. आइए. I'm sorry.